केंद्र सरकार के बाद अब शिवराज सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है, जिसके बाद अब जहां बीजेपी ने इसे जनता के लिए राहत बताया है, तो वहीं अब कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के बाद रसोई गैस के दाम कम करने की मांग की है। मुख्य तौर पर पूरे मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हम सब उत्साह के साथ मैदान में हैं और माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत जोर शोर के साथ मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर होगा। मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लोग देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी कई प्रकार के हल्ला करने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि जनता ने उनके इन मुद्दों को कोई स्वीकारोक्ति नहीं दी, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः आपके माध्यम से बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के अंदर कीमतों को कम करके और मध्य प्रदेश के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अभिनंदन भी किया, मैं उनको बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल की कीमतों को इतने बड़े मात्रा में जो कम किया है और हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों को, किसानों को जो राहत दी है, जिसको हमने कहा कि दिवाली का तोहफा था, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः एक बार बधाई देता हूँ। जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि जब सब चीजों में जीएसटी लग रहा था, इस पर क्यों नहीं लगे डीजल पेट्रोल, लोगों को राहत क्यों नहीं मिले? ये ऊंट के मुंह में जीरा क्यों और रसोई गैस कहाँ गई, उसके भाव कम क्यों नहीं किए? जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, जब उनके हिमाचल प्रदेश में जमाने थे, जब तो गई लोकसभा हार गए विधान, तब इन्होंने राग गाया मोदी जी और शाह जी के आगे कि जब मेरे मेरे प्रदेश में ही मैं निपट गया तो बाकी का मैं कहाँ बात करूँगा। इसलिए ये दबाव में कम किए, जबकि जनता और विपक्ष जब बोल रहा तब नहीं किए।